प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर उत्तराखंड से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज के दिन वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि 70 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, तो वहीं बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पहुंचकर मतदान किया। आपको बता दें कि रामदेव ने सहयोगी आचार्य बालकृष्णन के साथ यहाँ पर मतदान किया है और उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वोट जरूर डालें, क्योंकि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। घरों से निकले और मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट में हिस्सा जरूर लें। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो उत्तराखंड से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में आज के दिन विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि 70 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, तो वहीं बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पहुंचकर मतदान किया है और बाबा रामदेव ने यहां पे सहयोगी आचार्य बालकृष्णन के साथ वोट डाला है और इसी के साथ उन्होंने लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। उनका कहना है कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, लोगों को घरों से निकलना चाहिए और मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट जरूर करना चाहिए। इस वक्त के लिए बड़ी खबर उत्तराखंड से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज के दिन वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि 70 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, तो वहीं बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पहुंचकर मतदान किया। आपको बता दें कि रामदेव ने सहयोगी आचार्य बालकृष्णन के साथ यहां पर मतदान किया है और उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वोट जरूर डालें, क्योंकि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। घरों से निकले और मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट में हिस्सा जरूर लें। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो उत्तराखंड से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में आज के दिन विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि 70 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, तो वहीं बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पहुंचकर मतदान किया है और बाबा रामदेव ने यहां पे सहयोगी आचार्य बालकृष्णन के साथ वोट डाला है और इसी के साथ उन्होंने लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। उनका कहना है कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, लोगों को घरों से निकलना चाहिए और मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट जरूर करना चाहिए। वोट करने आए हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप सब लोगों से? सब घरों से बाहर निकलें, देश के लिए वोट करें, क्योंकि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम वोट करेंगे तो लोकतंत्र बचेगा, हम वोट करेंगे तो देश बचेगा, हम वोट करेंगे तो हमें अपने अधिकार भी मिलेंगे, हम वोट करेंगे तो जो हम चाहते हैं, देश में बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, देश में आर्थिक समृद्धि हो, सामाजिक समरसता हो, भेदभाव मिटे, सारा देश परम वैभवशाली बने, हम एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं कि भारत आने वाले 15-20 सालों में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक महाशक्ति बने, तो तभी बनेगी जब हम एकजुट होकर के देश के लिए वोट करेंगे, अच्छे लोगों के लिए वोट करेंगे, अच्छी पार्टी के लिए वोट करेंगे, तो निश्चित रूप से यह देश जिसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य है, जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अब उसके लोग जब वोट के लिए, मैंने तो कई बार कहा कि वोट देना ये अनिवार्य, इसके लिए कानून बनना चाहिए, लेकिन चलो कानून तो नहीं बना, लेकिन अनिवार्य रूप से लोग घरों से ज़रूर बाहर निकलें। मैं रात को 3 बजे पहुँचा था क्योंकि बाहर था, सुबह योग करवा के आया 5 बजे से और बिना नाश्ता किए वोट करने निकला हूँ। तो मोदी जी ने कहा था पहले मतदान बाद में जलपान, तो जलपान तो देखी जाएगी, वोट जरूर करना। वैसे कह रहे हैं कि आप वोट देने जाएं तो बुर्का हिजाब पहन कर जाएं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, देश बहुत आगे निकल चुका है, ओबीसी साहब जो है ना 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। कोई हिजाब पहने या ना पहने, कोई टोपी पहने या ना पहने, कोई चोटी जनेऊ पहने तो बहुत अच्छी बात है, पहने या ना पहने, दाढ़ी मूछ रखे या दाढ़ी मूछ कटवा ले, लेकिन देश को ना कटने दे, देश को ना बिकने दे, देश आगे है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, हिजाब कभी भी इलेक्शन का मुद्दा नहीं हो सकता, और तमाम तरह के सांप्रदायिक मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, लेकिन देश सबसे बड़ा है, इसलिए देश के लिए वोट करें। बाकी भाई सभी आगे बढ़े, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सारा देश सभी आगे बढ़ेगा ना,
जब देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और एक समतामूलक समाज की प्रतिष्ठा होगी, जिसमें हम सब ये विचार करें, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी।